अब उत्तराखंड की टॉप 7 खबरें सुप्रभात सुंदर। जोशीमठ में एसडीआरएफ की टीम ने एक मरीज का रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद लामबगड़ नाला पार कराया गया। माणा गांव के गब्बर सिंह बदबाल को माइनर हार्ट अटैक आया था, हायर सेंटर ले जाया गया। कर्णप्रयाग में 14 घंटे के बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। तीर्थयात्रियों ने सड़क पर ही बिताई रात। पहाड़ी से बोल्डर आने से बंद हुआ था हाईवे। हल्द्वानी में कानून गो, रिश्वत लेते गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई। रुड़की में युवक का बाइक पर स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ। युवक हाईवे पर सालियर के पास बाइक पर स्टंट करता हुआ नजर आया, पुलिस तफ्तीश में जुटी। हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू कराने के लिए प्रशासन की कवायद। सीडीओ ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। टिहरी झील का बढ़ रहा जलस्तर, झील का जलस्तर 800.55 मीटर पर पहुंचा। झील से सटे आसपास के गांवों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। बारिश और भूस्खलन का केदारनाथ यात्रा पर भी प्रभाव पड़ा। 1.5 से 2 हजार से सिमटी केदारनाथ पहुंचने वाली यात्रियों की संख्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।